अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल के 2.2 अपडेट की। 2.2 अपडेट गाइस प्ले स्टोर पर आपको नज़र आ जाएगा, मिल गया है क्योंकि रात को ही इसका अपडेट आ गया था। जिनके पास नहीं आया उनके पास कल आ जाएगा, 15 तारीख इसकी लास्ट तो अपडेट आ जाएगा उनके पास, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मेरे पास कल रात को ही आ गया था तो, और उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया था, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। उसके मैं कुछ फीचर्स भी बताऊँगा आपको गाइस। तो अगर चैनल पर न्यू चैनल वो लाइक करो, सब्सक्राइब मारो और साथ ही साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दो गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे नोटिफिकेशन रात को मिल चुका था, ठीक है। इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, न्यूसा मैप है, 8 सुपर स्किल्स हैं, जितने भी पावर्स हैं वो जो मैंने आपको लीक से बताई थी वो सब आपको देखने को मिलेंगी इस वाले अपडेट में। और आप अभी अपडेट कर लो क्योंकि अभी प्ले स्टोर पर अपडेट अवेलेबल है, क्योंकि मुझे मिल गया है आप देख सकते हो, तो आपके पास भी ये वाला अपडेट आ गया होगा। तो गाइस अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं गाइस, ठीक है। जो फीचर्स मेरे से रह गए थे वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ न्यू फीचर्स आए थे जो मैंने बनाए नहीं थे तो मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन से न्यू फीचर्स आएंगे गाइस। सबसे पहला तो बेस्ट ये है सोलो वालों के लिए भी, वैसे टीममेट में भी ये होगा पर सोलो वालों के लिए बेस्ट है कि उनको यहाँ से रीस्पॉन कार्ड मिलेगा गाइस, यानी कि ऑटोमेटिक रिकॉल सिस्टम है उनके लिए। यहाँ पे उनके उनको उसके लिए चाहिए होगा कार्ड, कार्ड सिर्फ आपको स्ट्रेंजर गार्डन से ही मिलेगा, ये सामने क्रेट में से ही गाइस, क्रेट में जगह से यही से ही आपको सिर्फ स्ट्रेंजर कार्ड मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ चल के। सबसे पहले क्या करते हैं, इस एनिमी को ख़त्म करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है वो रिस्पॉन कार्ड। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया और अब हम जाते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पर ही कहीं रिस्पॉन कार्ड पड़ा हुआ होगा, तो टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पे जो है रिस्पॉन कार्ड मुझे मिल चुका है, आप देख सकते हो उस पर टाइमिंग मेंशन है, ठीक है। टाइमिंग के अंदर अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाऊँगा, वरना तो मैं रिकॉल नहीं होऊंगा। टाइमिंग दी हुई है इन्होंने, 15 मिनट का टाइम है, वही पहले वाले स्क्रब चैंप की तरह ही है ये भी। और ये देखना मैं ऐसे वैसे किल होता हूँ, जल्दी कर दे भाई बोर्ड भैया, किल जल्दी कर दे ताकि हमारा टाइम बन जाए। तो यहाँ पर से मैंने किल कर लिया, अब यहाँ पर देख सकते हो अब काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये है कि मैं ऑटोमेटिक रिकॉल होने वाला हूँ। और ये देखिए मैं ऑटोमेटिक रिकॉल हो चुका हूँ गाइस, तो ये काम बिल्कुल करता है रिस्पॉन कार्ड। इसका मतलब इस फीचर में हमें रिस्पॉन कार्ड देखने को मिलेगा और रिकॉल हम हो सकते हैं ऑटोमेटिकली, पर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्ट्रेंज गार्डन में। तो ये थी पहली अपडेट। अब दूसरे अपडेट की बारे में बात करते हैं, उस दूसरे अपडेट में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रीस्पॉन कार्ड हम दोबारा उठा सकते हैं कि नहीं, जैसे स्क्रब चैंप हम नहीं उठा पा रहे थे इसका भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल में तो शायद नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल मैं फिर दोबारा से आ गया हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ कि ये रीस्पॉन कार्ड यहाँ पर अगर हमें मिलता है तो हम उसको उठा पाते हैं, नहीं तो यहाँ से देखें नहीं उठा पा रहा हमें, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं इसको नहीं उठा पा रहा हूँ। तो ये बात तय हो चुकी है कि इसको हम नहीं उठा सकते। बहरहाल आप इस क्रेट को खोलते देखते क्या निकलता है। तो ये देखें यहाँ से जो है ये निकल के गया जोकर प्ले, तो मैं सोचा था ऐसे शो के लिए शायद, पर इससे ये है कि इसको हमें मारना पड़ेगा और इससे हमें लूट मिलेगी गाइस, तो इसका कोई इतना खास नहीं है। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले स्ट्रेंजर गार्डन में बहुत सारे रिस्पॉन कार्ड पड़े हैं, यानी कि आपकी टीम अगर इधर उतरती है आपका स्क्वाड तो सबको एक रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा और वो इजीली ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा, उसके लिए हमें टावर पर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छा अपडेट है और इसको मार देते हैं यहाँ से, ख़त्म हो जाए भाई। तो भाई साहब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ से हमें इसकी लूट मिल गई है, तो ये डाउट भी मेरा क्लियर हो गया। इसमें मैं आपके अपने डाउट और आपके भी डाउट उसमें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आप चलते हैं बात करते हैं न्यूसा मैप की गाइस। न्यूसा मैप में मैंने आपको बताया था कि उसमें किल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे मैंने जब पहले किल किया था उस सोल्जर को तो मुझे किल मिला था, पर आप चेक करते हैं कि किल मिलता है नहीं, क्योंकि उसके बाद में करता रहा फिर मुझे लूट ही मिलती रही, तो अब लास्ट है तो कन्फर्म हो जाएगा किल मिलेगा कि नहीं। बहरहाल मैं जाता हूँ उस सोल्जर को किल करता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये मैं जा रहा हूँ टेलीपार्क टाउन में जा रहा हूँ और यहीं इस वाली बिल्डिंग में ही सोल्जर्स होते हैं, तो अब कंफर्म हो जाएगा अगर किल मिलता है नहीं। किल मिलता है तो यार बेहतरीन है, हमारी केडी अच्छी हो जाएगी, इसको केडी अच्छी हो जाएगी। अगर नहीं मिलता तो फिर बुरी बात है, फिर यही है कि मैं लूट मिलेगी भाई, और कुछ नहीं मिल सकता सिर्फ लूट मिलेगी इस बिल्डिंग में से। तो मैं इस बिल्डिंग में उतर गया हूँ और जो है अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं सोल्जर को किल करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और यार देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार, तो यहाँ पे मैंने जो है लूट वूट कर ली है और अब जाता हूँ। अच्छा इसमें रिकॉल सिस्टम है ना ऑटोमेटिक है, इसमें हमें किसी रिस्पॉन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी टावर की ज़रूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर वाला सीन है, हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो ऑटोमेटिक रिकॉल करेगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हो ये मैंने सोचा किल किया यहाँ पर और जो है मुझे किल नहीं मिला, हम यहाँ सिर्फ लूट हमें लूट ही मिल सकती है, किल हमें नहीं मिला।
ये चीज़ तय हो चुकी है कि खेल नहीं है, लूट ही मिलेगी। और मुझे तो बस ऐसे ही लगा, बड़ा चलो ठीक है लूट ही मिलेगी। लूट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो, बड़ा मूसा में अब तो वैसे ही लूट से भरा हुआ है। तो ये थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो हम बात कर रहे थे रिकॉल की भाई, रिकॉल की भैया यहाँ पे जो है आपको जो टावर तो मिलेगा नहीं और ना रिस्पॉन कार्ड मिलेगा। इसका ये ऑटोमेटिक रिकॉल होगा, 2 जोन से पहले आपको मरना होगा तभी आपका रिकॉल होगा। अगर 2 जोन निकल गए तो फिर आप रिकॉल नहीं हो पाओगे। अब एक क्लिक करेगा देखना काउंटिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और मैं रिकॉल हो जाऊंगा। देख सकते हो आप 15 सेकंड से तो काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि मैं रिकॉल होऊंगा इसमें। ठीक है, ऑटोमेटिक रिकॉल सिस्टम है जो कि मैंने वीडियो में बताया था आपको। अब चलते हैं अपनी लास्ट अपडेट के बारे में, मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा स्ट्रेंजर टाउन, टाउन में गार्डन में नहीं, स्ट्रेंजर टाउन में जहाँ वो एयर बलून है। तो अपन यहाँ से उतर गए और मैं जा रहा हूँ स्टैंडर्ड टाउन में गाइस। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है यार, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब जैसे ही मैं उतरूँगा देखना मैं यहाँ पे रिस्पॉन हो जाऊँगा, देखना आप के बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा कि क्या क्या से क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं जैसे ही यहाँ पे उतरा हूँ तो यहाँ पे जो है अब मौका है हम लोगों के पास मीम्स बनाने का भी और फनी स्टेटस बनाने का भी। ये देखें ग्लाइडिंग डोल में यहाँ से बन सकता हूँ, ये देखें भाई ये डोल में बन गया। अब ये देखें ये क्या ही ज़बरदस्त अपडेट है गाइस, इसका तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। यहाँ पे हम छुप के एनिमीज को भी किल कर सकते हैं, जाके ग्लोडिंग डोल के पास जाके खड़े हो जाएंगे और यहाँ से बंदों को भी इजीली किल कर सकते हैं हम। और एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो है कैंप के लिए बहुत अच्छा है, पर कैंप के लिए भी आपने जो है ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा दोबारा उसमें। ठीक है, इस वाले रूप से निकलना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म हो के अपने जो है सोल्जर वाले रूप में आना होगा, तभी आप जो है यहाँ से कोई चीज़ ले सकते हो और एनिमी को किल कर सकते हो। ये नहीं कि गुड्डी बन के आप एनिमी को मार सकते हो, ठीक है, इसके लिए आपको अपने असली रूप में आना पड़ेगा। वरना अगर कहीं कैंपिंग करनी है, टीम मेट से बचना है, किसी दुश्मन से बचना है, तो आप जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाओ इसमें। और बना लेकर क्लेट्स भी मिलेंगे हमारे को, बहुत सारे लूट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये थी इसके टॉप फीचर्स, ये थी इसकी टॉप अपडेट्स इस वीडियो की। ठीक है, और अपडेट नहीं किया, अपडेट आ चुका है पबजी मोबाइल में, जाएँ अपडेट करें, जल्दी जल्दी करें यार अपडेट। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना गाइस, और कुछ समझ नहीं आया हो तो यार आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, फेसबुक पे भी लाइक करके फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और कोई चैलेंज रखना हो तो आप यार इंस्टा पे आ सकते हो, कर सकते हो, तो हम यहाँ पे जो है ऑनलाइन चैलेंज रखेंगे और जो है मैं आपके साथ चैलेंज में रूम खेलूँगा जिसको भी मतलब मेरे साथ खेलना हो तो। और ये थी अपडेट्स आज की, आप देख सकते हो एयर बलून वाली। और जिन्होंने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी क्योंकि मैंने इसमें पूरे मैप्स की लीक्स दी हुई, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देख लें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा या सब्सक्राइब मारो, बेल के बटन को भी प्रेस कर दो गाइस, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए यार सब्सक्राइब लाजमी है। सब्सक्राइब करोगे तो तभी आपके पास सबसे पहले इतनी अच्छी अच्छी अपडेट्स और लीक्स तो मैं देता रहता हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी गाइस। तो अब चलते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।